मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि और भी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेल्कम बैक टू माय चैनल आयशा हेल्थ विद ब्यूटी। दोस्तों, आज मैं आपको बालों को ब्राउन करने का तरीका बताऊंगी। इससे आप बहुत ही आसानी से अपने बाल ब्राउन कर लेंगे और मजे की बात यह है कि ये कोई महंगी रेमेडी भी नहीं है। बाजार में मिलने वाले हेयर कलर्स आपके बाल को डाई तो कर देते हैं, लेकिन इनमें मौजूद केमिकल्स हमारे हेयर्स को डैमेज कर देते हैं और हमारे बाल टूटने लगते हैं। इसलिए जो मैं आपको हेयर डाई रेमेडी बता रही हूँ, इससे ना सिर्फ आपके बाल ब्राउन होंगे बल्कि ये आपके हेयर फॉलिकल्स को मजबूत भी करेगा और साथ ही साथ आपके बालों में शाइन भी आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत है। सबसे पहले आपने 2 कप पानी किसी पैन में डालना है। अब इसमें आपने 4 से 5 साशे पैक कॉफी के डालने हैं, या अगर आपके पास कॉफी जार है तो आप 4 से 5 चम्मच इसमें ऐड करें और इसको 2 मिनट तक बॉईल होने दें। ये देखें, 2 मिनट हो चुके हैं, बॉईल हो गया है, पानी ऊपर आ रहा है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बालों को महरूम करने का तरीका बताया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। बॉईल होने के बाद ये कुछ दोस्तों इस तरह का होगा। अब आपने हीना पाउडर लेना है, इसे मेहंदी पाउडर भी कहते हैं। कोशिश करें कि मेहंदी पाउडर केमिकल से पाक हो। आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से मेहंदी पाउडर ले लें। अब इसमें हम कॉफी का पानी ऐड करेंगे ताकि ये एक पेस्ट की शक्ल में आ जाए। अब इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स इसे अच्छी तरह से करें ताकि इसमें कोई लम्स ना बाकी रह जाए, यानी गांठे ना हो। ये देखें दोस्तों, ये तैयार हो चुका है। अब इस ड्राई को आपने 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, या चाहे तो पूरी रात के लिए भी छोड़ दें तो और भी अच्छा रंग आएगा। फिर सुबह उठकर आपने इसे अपने बालों पर अप्लाई कर लेना है। इस मिक्सचर को आपने 2 घंटे के लिए अपने बालों पर लगा के छोड़ देना है। फिर किसी भी हर्बल शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लें। याद रहे कि दोस्तों, आपके बाल ऑयली ना हो, नहीं तो ये ठीक से काम नहीं करेगा। अगर आप एक दफा के रिजल्ट से मुतमईन ना हो तो अगले दिन इसे दोबारा भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब इजाजत है, इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।